संभल के चंदोसी में हर साल गणेश चतुर्थी रथ यात्रा निकालने वाली मेला कमेटी इस बार खेलों को बढ़ावा देगी। कमेटी चतुर्थी रथ यात्रा में लगभग 20 फुट ऊंची हनुमान जी की अनोखी स्वचलित झांकी निकालेगी, जिसे स्पोर्ट की सामग्री से सजाया गया है। ये झांकी संयोजक हीरा लाल ने बताया कि इस बार हनुमान बाबा को खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी देश के युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस बार खेलों में जागरूकता के लिए हनुमान जी की झांकी में खेलों की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मूर्ति बना रहे हैं? किस चीज़ की मूर्ति बना रहे हैं? मेला गणेश्वर चंदोसी प्रेम सद्भाव और एकता का प्रतीक वर्षों से लगता चला आ रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से भगवान महाबली बजरंग बली की सेवा करता आ रहा हूँ। इसी में एक झांकी 20 फीट की महाबली बजरंग बली की है, उसकी सेवा में मैं तात्पर्य हूँ। किस चीज़ से बनाई गई है ये? इस बार हम लोगों ने सारे स्पोर्ट्स के आइटम लगाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे बैडमिंटन के लिए बैड है, मिंटन है, कैरम की गोटी हैं, लूडो की गोटी हैं और भी विभिन्न प्रकार के आइटम जो खेल से संबंधित है, फुटबॉल तक हम लोगों ने इसमें यूज़ की है। आधे दिन में कैरम का पाशा है, छोटी वाली गोटियाँ हैं और हमने इसमें पाशे भी लगाए हुए हैं। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि भगवान की असीम कृपा है जो आज हमें 2 साल बाद ये खुशहाली मिली है और इस खुशहाली में सबका भगवान के प्रति सब भावना बढ़िया रहे और इस प्रकार जो पूजा पाठ हो गणेश जी बाबा सब पर कृपा बनाए रखें, इसलिए बजरंग बली की जैसे कार है और ढोलक बजाते हुए हनुमान जी आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है, गुजारिश है, आप जरूर देखने आए और इस झांकी को बहुत बारीकी से देखें आप, जो कि इसमें चिड़िया पल्ला गेंद फुटबॉल और गोटी कैरम बोर्ड की गोटी लीडो और भी आइटम लगाए हैं जो मोदी जी को खुद के लिए याद आए कि कोरोना काल से जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया।